विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री श्री गौर नित्याय की श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस लाइव सत्संग प्रोग्राम में। आज हम लोग आज से शाम को 5 बजे नियमित आधे पौन घंटे के लिए श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो हम सब अपने अपने घरों में सरकार के आदेश का पालन करते हुए भगवान का भजन करेंगे, भगवत कथा का रसपान करेंगे। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, जिनमें शुरुआत के जो 6 अध्याय हैं और लास्ट के 6 अध्याय हैं और उनके बीच में जो 6 अध्याय हैं, जो बीच के 6 अध्याय हैं उनमें बहुत सुंदर खजाना छुपा हुआ है, हीरे मोती छुपे हुए हैं। इतना गहरा ज्ञान है जो हमारे जीवन को सदमार्ग दे सकता है, भगवान से प्रेम करवा सकता है। भक्ति के ये 6 अध्याय जिनमें भक्ति की प्रमुख शिक्षा दी गई है, इनका हम लोग क्रमशः एक एक श्लोक लेकर के इस पर चर्चा करेंगे। तो आज से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 का पहला श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे, भगवान गुरु और समस्त वैष्णवों को प्रार्थना करते हैं जिससे उनकी कृपा से हम इस विषय को समझ सकें। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। पहली बात, गीता की चर्चा करने से पहले अभी वर्तमान समय में गीता की क्या उपयोगिता है? अधिकतर लोगों के मन में ऐसा विचार आ सकता है, खास करके आधुनिक जीवन जीने वाले नई पीढ़ी के लोगों के मन में, कि 5000 साल पहले श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा हुई थी, 5000 साल पहले द्वापर युग का वातावरण था, उस समय गीता के ज्ञान पर चर्चा हुई थी, युद्ध के स्थल पर अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद है वो अभी आज 2020 में कैसे हमारे जीवन में लाभकारी हो सकता है? लेकिन वास्तविकता ये है, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि इतना पुराना ज्ञान अभी इसकी क्या आवश्यकता है, अभी कैसे ये प्रैक्टिकल जीवन में हमें लाभ दे सकता है।
तो इस पर विचार करते हुए हम सोच सकते हैं कि वास्तव में जो समस्याएं उस 5000 साल पहले द्वापर युग में थीं, वही सेम समस्याएं अभी वर्तमान में कलयुग में 2020 में भी हम सब उसी उन्हीं सब समस्याओं से सामना कर रहे हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और तीन प्रकार के क्लेश हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीन प्रकार के क्लेश और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जैसी समस्याएं द्वापर युग में भी थी और अभी वर्तमान युग में भी हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सनातन ज्ञान है और ये सनातन ज्ञान हमको हमेशा सनातन सुख देने के लिए, सनातन आनंद देने के लिए भगवान ने हम अर्जुन महाराज के माध्यम से हम सब जीवों के लिए कहा। तो ये सनातन ज्ञान क्या है? इस सनातन ज्ञान में भगवान हमको बोल रहे हैं कि मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक, श्री भगवान वाचा, मैया शक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तच्छुणु। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कृष्ण ने कहा, मई मुझ में आसक्त मना, आसक्त मन वाला पार्थ, हे प्रथापुत्र, योगम आत्म साक्षात्कार, युंजन अभ्यास करते हुए, मत आश्रय मेरी चेतना में, असंशयम निसंदेह समग्रम पूर्णतया माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो तत्वह श्रुण सुनो। इस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रथा पुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया तथा संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावना मृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6 अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना मृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य या पूर्णता को जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान संदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह से जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य की पूरी तरह से जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6 अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणीय एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छुणु अर्थात मुझसे सुनो। अर्थात मुझसे सुनो। अतः मनुष्य को साक्षात कृष्ण से बढ़कर, हाँ, अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छुणु अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जैसे जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावनावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्तों से सीखना चाहिए।
न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वताम सताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हरधंतस्थो हर भद्राणी विदनोति सुहृत सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्त भवति निष्ठकी। तदा रजस्त मोभावा कामलोभा दयश्च ये चेत एते रना विद्धि स्थितिम सत्वे प्रसेदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथिश्चद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से कृष्ण श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो व्यक्ति और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति भौतिक काम तथा लोभ भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह से जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को संशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो यहाँ पर श्री भगवान इस सातवें अध्याय के पहले श्लोक में बोल रहे हैं। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान को जानने का साधन इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक में वास्तव में इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, इस श्लोक से आगे इसमें पूरा और गहराई से चर्चा आएगा। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई भगवान को मुझे संशय रहित होकर जानना चाहता है, हम सब भगवान को जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं संशय रहता है, लेकिन अगर संशय मुक्त होकर के भगवान को जानना चाहते हैं तो हमें भगवान के आदेश का पालन करना होगा। और वो क्या आदेश है कि मेरी भावना से पूर्ण होकर हमको, हम लोग किसी न किसी की भावना के बिना रह नहीं सकते। हम संसार में निरंतर किसी न किसी के भाव में रहते हैं, भावना में रहते हैं, विचार में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, लेकिन जब तक हम कृष्ण की भावना में नहीं रहेंगे, कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे, परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे, परमात्मा की भावना में नहीं रहेंगे, तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते। सरल भाषा में इस संसार में, अगर संसार में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उन लोगों में जब हम किसी से संबंध बनाते हैं और उसके विषय में जानते हैं, उसके विषय में समझते हैं, तभी हमारा उससे जुड़ाव होता है। लेकिन जब तक हम किसी के विषय में न जाने तब तक हमारा उससे जुड़ाव होना मुश्किल है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, तो हमको भगवान के विषय में गंभीरतापूर्वक भगवान के मुख से ही भगवान को जानना होगा। और श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुख से निकली, भगवान ने खुद कहा, भगवान उवाचा, भगवान ने कहा। हमारे हमको संसार में आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए और भी ग्रंथ हैं, जैसे कुरान, बाइबल और श्रीमद् भगवद गीता। अगर हम देखें तो कुरान का शिक्षा मोहम्मद साहब द्वारा दिया गया, जो कि भगवान के संदेश वाहक हैं, भगवान के पैगंबर हैं। बाइबल जीसस के द्वारा वो ज्ञान दिया गया, वो भगवान के पुत्र हैं। लेकिन भगवद गीता जिसमें कि स्पष्ट रूप से उल्लेख है भगवान उवाचा, यानी भगवान ने कहा, तो भगवद गीता का जो ज्ञान है वो निश्चित रूप से बाइबल और कुरान से अधिक पूर्ण परिपूर्ण है और बहुत गहरा ज्ञान है, बशर्ते हमको इसको बहुत गंभीरतापूर्वक जानना होगा। भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों पर संसार के लोगों को विश्वास नहीं होता, जैसा कि हम
शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये संदेह होता है कि भगवत गीता का ज्ञान अभी वर्तमान में मेरे किस काम का है। अभी तो वर्तमान में हमको भोजन के लिए पैसे चाहिए, ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमारा भरण पोषण करे, ऐसी शिक्षा मुझे मिले जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जीवन जी सकूं। लेकिन वास्तविकता में ये सांसारिक शिक्षा हमें संसार के सुखों को तो दे सकती है, सांसारिक वैभवों को तो दे सकती है, लेकिन हमारी मूल समस्याओं से हमको मुक्त नहीं कर सकती। ये सांसारिक शिक्षा हमको वास्तविक आनंद नहीं दे सकती। सांसारिक सुख दे सकती है, लेकिन जो वास्तविक आनंद है, वास्तविक सुख है, वो ये सांसारिक शिक्षा नहीं दे सकती। दुर्भाग्यवश हम सब आध्यात्मिक शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते जितनी कि सांसारिक शिक्षा को देते हैं। सांसारिक शिक्षा के लिए हम स्वयं भी बड़ा गंभीरतापूर्वक उसको पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी उसकी शिक्षा को बड़ी गंभीरतापूर्वक देना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति ना तो हम स्वयं गंभीर हैं और ना हम उस आध्यात्मिक शिक्षा को अपने बच्चों को देना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये आध्यात्मिक शिक्षा ही हमें वास्तविक आनंद दे सकती है, हमको समस्त प्रकार के क्लेशों से, समस्त प्रकार की समस्याओं से निकाल सकती है। और हमारी मूल समस्या क्या है? चूँकि हम अपने आप को ही नहीं जान रहे हैं, इसलिए हम अपनी समस्याएं नहीं जान रहे हैं। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी अपने आप को, अपने नाम, अपनी जाति से अपनी पहचान करता है, जबकि वास्तव में वो भगवान का अंश है, वो आत्मा है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वास्तव में हम आत्मा हैं, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। और हमारी समस्या केवल इस संसार की समस्या ही समस्या नहीं है, हमारी वास्तविक समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए समस्या है। माँ के गर्भ में 9 महीने तक लटकना, मल मूत्र में उल्टे पड़े रहना, कितनी बड़ी समस्या है। मृत्यु, मृत्यु होते समय शास्त्रों में बताया गया 42,000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना कष्ट होता है। यानी संसार की जब प्रत्येक वस्तु को हमें छोड़ना होता है तो हमें कितनी यातना होगी, इसका विषय में अभी हम विचार नहीं कर सकते। जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारियां, ये सब द्वापर युग में भी थी, त्रेता युग में भी थी और सतयुग में भी थी। इसलिए जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, जो इस भौतिक संसार में आया है वो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि में फंसा हुआ है। इसलिए ये गीता का ज्ञान, भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान, ये हमको इन समस्याओं से मुक्त करने के लिए है। क्योंकि जैसे हमारे इस शरीर के, हमारा ये शरीर माता पिता का अंश है, उसी प्रकार से मैं आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार से माता पिता हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार का सुख देना चाहते हैं, उसी प्रकार से स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को परम आनंद देना चाहते हैं और इस संसार के समस्याओं से हमको मुक्त करना चाहते हैं। और इन समस्याओं से मुक्त करने के लिए ही वो स्वयं आते हैं या अपने विशुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान आज से 5,000 वर्ष पूर्व स्वयं आए और उन्होंने अर्जुन महाराज के माध्यम से हम सबको ये गहरा ज्ञान दिया, ये सनातन ज्ञान दिया। और ये ज्ञान प्राप्त करके हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से मुक्त हो सकते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं, बशर्ते हम भगवान से अपना संबंध बनाएं, भगवान की बात को गंभीरतापूर्वक माने। जैसे इस संसार के माता पिता की बात को माने बिना कोई सांसारिक बच्चा सुखी नहीं हो सकता। सांसारिक माता पिता बचपन से ही बच्चे को शिक्षा देते हैं कि तुम अच्छी भौतिक शिक्षा प्राप्त करो, जिससे कि तुम अच्छा भौतिक जीवन जी सको, जिससे कि तुम सांसारिक सुखों का लाभ ले सको। इसी प्रकार से परमात्मा, जो कि हमारे परम हितैषी हैं, वो भी हमको शिक्षा देते हैं कि तुम जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से निकल करके भौतिक भौतिक का भौतिक क्लेश का मतलब है दूसरे जीवों से मिलने, और दैविक का मतलब है दैवीय आपदाएं। ये दैवीय आपदाएं हमको विभिन्न विभिन्न प्रकार से कष्ट देते हैं। जैसे अभी वर्तमान परिस्थिति में भी हम देख रहे हैं जो महामारी है, ये एक प्रकार से दैवीय आपदा भी कह सकते हैं। भले ही हमारे द्वारा प्रकट की हुई हो, हमारे द्वारा क्रिएट की गई हो, लेकिन ये दैवीय आपदा भी है। जैसे सुनामी, महामारी, भूकंप, ये सब जब आते हैं तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का मृत्यु हो जाता है। और ये निरंतर दैहिक, दैविक, भौतिक क्लेश से जीव कष्ट पा रहा है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कष्ट पा रहा है, ये हमारी असली समस्याएं हैं। लेकिन भौतिकता में, भौतिक सुख सुविधाओं में, भौतिक संसार में उलझे हुए हम जीव अपनी मूल समस्याओं को भूल गए हैं और सांसारिक समस्याओं को ही वास्तव में अपनी समस्या मान रहे हैं। लेकिन परम हितैषी भगवान हमको याद दिलाते हैं कि हमको पुनः भगवान से अपने संबंध को स्थापित करके इस संसार से निकल करके भगवत धाम वापस पहुंचना है। तो उसके लिए भगवान हमको इस श्लोक में शिक्षा दे रहे हैं कि हे प्रतापुर, तो अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो मुझे अपना मन भगवान में आसक्त करना है, दूसरा मेरी भावना भगवान कृष्ण की भावना से पूर्ण होकर के रहना है। हमारा चिंतन निरंतर भगवान, हमको भगवत भावनामय होकर के रहना है। हमें जो कार्य करना है भगवान से जोड़ करके करना है, हमें भगवान के पवित्र का जाप करना है। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन है भगवान के पवित्र नाम का जाप। इसलिए हम सब जीवों को बहुत गंभीरता पूर्वक कम से कम 16 माला का जाप नियमित करना चाहिए। लेकिन ये 16 माला का जाप नियमित है और निरंतर हमको ऐसा जीवन जीना, ऐसी जीवन शैली बनानी होगी जिससे हम भगवान से निरंतर प्रेम कर सके, निरंतर भगवान का चिंतन कर सके। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका चिंतन स्वाभाविक हो जाता है, या जब हम किसी का चिंतन करते हैं तो उससे प्रेम हो जाता है। तो इसलिए हम जब भगवान का निरंतर चिंतन करेंगे, हमेशा भगवान को धन्यवाद दें। हर तरफ हम देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो सृष्टि है, ये व्यवस्था है, हर तरफ ईश्वर हमारी किस तरह से मदद कर रहा है, किस तरीके से हमको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, पीने पानी दे रहा है, रहने के लिए पृथ्वी दे रहा है, खाने के लिए अनाज दे रहा है, फल दे रहा है, सब्जियां दे रहा है, ये पूर्ण रूप से कौन कर रहा है? ये प्रकृति, अगर भौतिकवादी व्यक्ति बोलेगा ये प्रकृति कर रही है, लेकिन प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इसलिए हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सब भगवान के अधीन हैं और भगवान से हमारा नित्य संबंध है। हम आप भगवान से कोई नया संबंध नहीं बना रहे, हम सबका भगवान से प्रेम और नित्य संबंध है। लेकिन हमको ये ध्यान देना होगा कि हम अपने सांसारिक संबंधों के प्रति ही बहुत गंभीर हैं और भगवान के प्रति हमारा उतना ध्यान नहीं है, या ध्यान है ही नहीं। हम संसार के प्रति, अपने संबंधों के प्रति तो बहुत अधिक गंभीर हैं, लेकिन हम भगवान के प्रति उतने गंभीर नहीं हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान की बात पर मनन करते हुए, भगवान से ध्यान करते हुए अपने पुनः खोए हुए, भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन हमको भूले हुए पुनः संबंध को जागृत करने के लिए ही मिला है। ये मनुष्य शरीर ज्यादा समय के लिए हमारे पास नहीं है, कभी भी ये मनुष्य शरीर छूट सकता है। लेकिन अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम भगवान से प्रेम न कर पाए, भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाए, तो मनुष्य जीवन में बहुत बड़ी भूल हम सबसे हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमसे छूट जाएगी। इसलिए हम सब लोगों को संसार में रहते हुए, पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भगवान से अपनी आसक्ति को बढ़ाना है। उत्तरदायित्वों का निर्वहन तो परिवार के प्रति करना है, लेकिन आसक्त मन से होना, मन से, मन जो है वो भगवान में आसक्त करना है। दुर्भाग्यवश, भूलवश हम करते ये हैं कि हम भगवान की साधना करते तो हैं आधे घंटे, पौन घंटे, दो घंटे, लेकिन भगवान को नहीं देते, मन को संसार में ही रखते हैं। इसलिए जब मन को, मन संसार में रहेगा तो भगवान पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। वास्तव में मेरा मन भगवान को अर्पित करना है। भाई भगवान बोल रहे हैं, मैया सक्त मना पार्थ, मैया सक्त मुझ में आसक्त करो मन को, पार्थ अर्जुन, हे पार्थ अपने मन को मुझ में आसक्त करो। मैया सक्त मना पार्था योगम युन्यन मदाश्रया। योगम मतलब होता है भगवान से जुड़ना, हम भगवान से जुड़े, और मताश्रया मेरा आश्रय लो। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, अनन्य भक्ति का उपदेश हमको इस श्लोक में भी मिल रहा है कि हमको विभिन्न देवी देवताओं के प्रति आकृष्ट नहीं होना है, विभिन्न देवी देवताओं का भजन नहीं करना है,
हमको एकमात्र परम भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है, श्री कृष्ण में आसक्त होना है। आदर हमको बहुत ऊंची अवस्था पर है, हमसे बहुत श्रेष्ठ है, सतोगुण प्रधान है, इसलिए उन सबको आदर देना है, रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन प्रेम आसक्ति केवल मन, अपना मन आसक्त रखना है केवल परम भगवान श्री कृष्ण में। जैसे हम संसार में रहते हैं और संसार में रह करके बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे ऑफिस में, हमारा बिजनेस में, हमारे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारा मन सबसे आसक्त नहीं होता। हमारा मन अगर हम देखें तो इस संसार में 4-6-10 लोगों से ही आसक्त है, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, बच्चे या कोई बहुत क्लोज मित्र या जिससे हमारे बहुत विचार मिलते हैं। तो ऐसे गिने चुने हर व्यक्ति के जीवन में 8-10 लोग ही होते हैं, लेकिन ये 8-10 लोगों के प्रति तो हमारी मन की आसक्ति है, लेकिन संसार में व्यवहार हम बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, संसार में बहुत सारे लोगों के साथ हम आदान प्रदान करते हैं, बहुत सारा समय बिताते हैं, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होते। सेम इसी प्रकार से हमको घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार में आसक्त नहीं होना है, आसक्त हमको एकमात्र परमात्मा में ही होना है। और पारिवारिक निर्वहन, पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है, लेकिन हम भूलवश परिवार में आसक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम संसार में आसक्त नहीं होते, सांसारिक कार्यकलापों को करते हैं, आसक्त अपने माता पिता, परिवार, पति पत्नी और बच्चों से ही होते हैं, इसी प्रकार से इस परिवार में ये जो 6-7-8-10 लोगों के साथ हमारा आसक्ति है, इससे भी हम अपनी आसक्ति को निकालें और कर्तव्य निर्वाह के स्तर पर हम अपने प्रयोजनों को पूरा करें और प्रेम एकमात्र परब्रह्म परमात्मा से करें, भगवान श्री कृष्ण से करें। और ऐसा करना तब संभव होगा जब हम भगवान के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। भगवान के विषय में कैसे जाना जाए, तो उसके दो साधन हैं, स्वयं भगवान के से सुन करके या भगवान के शुद्ध भक्तों से सुन करके, भगवान के प्रिय भक्तों से सुन करके। तो हम भगवान से कैसे सुन सकते हैं, हम भगवान से कैसे सुनेंगे? कोई व्यक्ति कहेगा भगवान तो द्वापर युग में थे, अभी वर्तमान युग में तो भगवान नहीं है, लेकिन हम भगवान से, भगवान के विषय में उनके ही द्वारा बोले गए, उनके द्वारा ही दिए गए प्रमाणित ग्रंथों को पढ़ करके भगवान के विषय में जान सकते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता। और दूसरा साधन भगवान से चली आने वाली प्रमाणित गुरु परंपरा के शिष्यों के, गुरु परंपरा के शिष्यों के माध्यम से या गुरुओं के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणित परंपरा से चले आने वाले जो गुरु हैं, उन गुरुओं से हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान इस भगवद गीता के श्लोक में बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि केवल वही संशय रहित होकर के मुझे जान सकता है जो मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त रखेगा। इसलिए हमको अपनी साधना करते हुए, अपना भजन करते हुए, अपना स्वाध्याय करते हुए ये देखना बहुत आवश्यक है। अपना परीक्षण हमको स्वयं ही करना होगा बड़ी ईमानदारी से कि क्या मेरा मन भगवान में आसक्त हो रहा है या मेरा मन केवल संसार में ही आसक्त है। अगर मेरा मन केवल संसार में ही आसक्त है तो निश्चित रूप से मृत्यु होने के बाद हमको भगवान का प्राप्ति नहीं होगा, फिर हमको इस संसार के लोगों की ही प्राप्ति होगी। और अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तब हमको भगवान से प्रेम करना होगा, भगवान में मन आसक्त करना होगा। और अगर जीते जी हम ऐसा कर पाए कि भगवान में अपने मन को आसक्त कर पाए, तो निश्चित रूप से हम मरने के बाद भी भगवान के पास जा सकते हैं। और अगर जीते जी हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाए, भगवान में अपने मन को आसक्त नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से मरने के बाद भी हमको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हम सब लोगों को अपना मन भगवान में आसक्त करना है। और भगवान में आसक्त करते हैं हम भगवान के उपदेशों को समझ करके और भगवान के विषय में जान करके। जब भी हम किसी व्यक्ति के गुणों के विषय में जानते हैं, उसके विषय में पढ़ते हैं या उसके बारे में सुनते हैं, तो हमारा उससे प्रेम होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से हम सब लोगों को भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनना चाहिए, भगवान के विषय में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय
भगवान को सुनने और भगवान को समझने में देंगे तो हमारा मन भगवान में आसक्त होगा, और जब मेरा मन भगवान में आसक्त होगा तभी ये मन शुद्ध होगा। इस मन को शुद्ध करने का भी यही एकमात्र साधन है कि मेरा मन अधिक से अधिक भगवान के चिंतन में लगे, भगवान के ध्यान में लगे, भगवान के जप में लगे, और भगवान का जप, भगवान का ध्यान, भगवान का स्वाध्याय, भगवान के ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए हम अपने मन को भगवान में आसक्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश सांसारिक विषय वासनाओं में फंसे हम जीव भगवान को ध्यान न करके केवल सांसारिक विषयों का ही ध्यान करते हैं, और सांसारिक विषय विष समान है। विष खा करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, ये विषय भी विष से ही आए हैं। इसलिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इन सांसारिक विषयों से बचने का प्रयास करें। जितना जरूरत है उतना तो हम सबको सेवन करना ही होगा सांसारिक शरीर का निर्वहन करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, लेकिन हमको आसक्त होना है भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेम में, और वो तभी संभव है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के विषय में सुने। श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय में बड़ा स्पष्ट इस तात्पर्य में बोलते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि छठवें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योग, उसका अंतिम श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। उस अंतिम श्लोक में भगवान बोलते हैं कि समस्त योगियों में वो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, वह दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा योगी जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, मुझ में ही आसक्त है, मेरा ही चिंतन करता है, वही सर्वोच्च योगी है, वही सर्वोच्च ध्यानी है। आज वर्तमान युग में पूरे विश्व में विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग ध्यान का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वास्तव में असली ध्यान वही है जो अपने अंतःकरण में परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, श्री कृष्ण का चिंतन करता है। श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए, परम भगवान का चिंतन करते हुए हम महानतम ध्यानी बन सकते हैं, लेकिन संभव तब होगा जब सांसारिक विषयों और सांसारिक असत्य के प्रति हम जागरूक हो जाएं, हम सांसारिक विषयों को समझें और सांसारिक पदार्थों की नश्वरता को समझें। इस संसार में हम अपनी पहचान जो अपने शरीर से कर रहे हैं, ये शरीर हमेशा से न तो है और न हमेशा रहेगा, ये कभी भी हमारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन मैं हमेशा रहूँगा, मेरा भगवान से संबंध हमेशा से है और हमेशा रहेगा, भगवान हमेशा रहेंगे और मैं हमेशा रहूँगा। ये परिवार, ये समाज, ये घर, ये विषय, इनसे हमारा संबंध नित्य नहीं है। इसलिए हमको इस सत्य को जान करके अपने मन को अभ्यास द्वारा, भगवान के भक्तों की कृपा द्वारा अपने मन को भगवान में आसक्त करना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। नवधा भक्ति करके बहुत आसानी से कोई व्यक्ति अपने मन को भगवान में आसक्त कर सकता है। नवधा भक्ति क्या है और इस नवधा भक्ति में सबसे पावरफुल भक्ति क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वैसे तो नौ भक्तियां ही बड़ी महत्वपूर्ण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नवधा भक्ति में प्रत्येक भक्ति अपने आप में पूर्ण है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। एक भक्ति करने मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, व्यक्ति की उद्धार का मतलब है भगवान से आसक्ति हो सकती है, भगवान से प्रेम हो सकता है, बशर्ते वो एक भक्ति को हम गंभीरता पूर्वक करें, उस भक्ति को जानकर समझकर उसको वैज्ञानिक तरीके से करें, प्रामाणिक तरीके से करें, तब उसके परिणाम हमारे जीवन में वास्तव में प्रकट हो सकते हैं। और इन नवधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो इसमें सबसे पहली है श्रवणम, और श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम प्रमाणित भक्तों के मुख से भगवान के विषय में सुनते हैं तो हम भगवान से धीरे धीरे आसक्त होने लगते हैं, फिर हमें भगवान अच्छे लगने लगते हैं। संसार में भगवान अच्छे बहुत कम लोगों को लगते हैं, अधिकतर लोगों को संसार के विषय ही अच्छे लगते हैं।
जिसको भगवान अच्छे लगने लगेंगे वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा जानना चाहेगा, भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करना चाहेगा, भगवान से ज्यादा जुड़ना चाहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जिसमें श्रवण अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्क्षणु अर्थात मुझसे सुनो। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मुझसे सुनो, मैं बोल रहा हूं अभी सुनो। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम कहें कि हमारे पास तो भगवान नहीं है तो हम किससे सुने? तो भगवान के द्वारा चली आने वाली जो प्रमाणित परंपरा है उन गुरुओं से सुनने का मतलब सुनना और भगवान से सुनने में कोई भेद नहीं है। प्रमाणित गुरु से सुनना या भगवान से सुनना एक ही बात है। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। ऐसे लोगों से हमको भगवद गीता या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेना चाहिए जिनका स्वयं के जीवन में भगवत चिंतन भगवत भक्ति न हो, जो स्वयं गंभीरतापूर्वक भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो हमें भी भगवद गीता का सही ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि जब मेरे आचरण में होगा तभी हमको वो बात कहने या वो बात बोलने में विशेष शक्ति प्राप्त होगी और उसको सुनकर के लोगों का हृदय भी परिवर्तित होगा। अगर हम स्वयं संसार में आ सकते हैं तो हम किसी दूसरे से संसार से न आसक्त होने की शिक्षा नहीं दे सकते। तो वास्तविकता में हम सब अपने गुरुजनों को आराध्य मानकर उनकी बात को सुनकर के प्रयास करें जिससे हम लोग भी इस संसार की आसक्ति से निकल सकें, इस संसार के विषयों के प्रति जो आसक्ति है उससे निकल करके भगवान की शरण ले सकें। और भगवान की शरण लेना आनंदमय है, दुखमय नहीं है। हो सकता है शुरुआती मन की अवस्था में हमें भगवान का चिंतन भगवान का भजन या भगवान के भक्तों का संग बुरा लगे, लेकिन वास्तव में ये बड़ा आनंदमय है। ये आनंद लेकिन हमें प्राप्त कब होगा? जब हम वास्तव में शुद्ध हो जाएंगे, जब हम पवित्र हो जाएंगे। जैसे संसार में दो मानसिकता के लोग हैं, एक अच्छी मानसिकता के लोग एक बुरी मानसिकता के लोग, तो बुरी मानसिकता के लोगों का संग बुरी मानसिकता के लोगों के बीच में ही होता है, उनको उनमें ही मजा आता है, और अच्छी मानसिकता के लोगों को अच्छी मानसिकता के लोगों के साथ ही आनंद आता है। लेकिन अगर बुरी मानसिकता का व्यक्ति आकर के अच्छी संगति में बैठे तो शुरुआत में हो सकता है उसको आनंद ना आए, क्योंकि उसका अभ्यास बुरी संगति का है। लेकिन लंबे समय तक अगर वो गंभीरतापूर्वक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए, अपने विषयों पर नियंत्रण करते हुए, अपने मन पर नियंत्रण करते हुए अगर वो अच्छी संगति का संग करता है तो उसका परिणाम ये होता है कि उसको अच्छी संगति की लत पड़ जाती है। और वास्तविकता में बुरी संगति या अच्छी संगति की लत तो हमने ही डाली है, और जिसकी लत पड़ी है वही अच्छा लगने लगता है। अगर हम बुरा संग करते हैं तो हमें बुरा ही अच्छा लगने लगता है, और अगर हम अच्छा संग करते हैं तो हमको अच्छा ही अच्छा लगने लगता है। तो अच्छा ही अच्छा लगना तो सही बात है, और बुरा ही अच्छा लगना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो गलत है, वो मिथ्या है, वो सही नहीं है। तो इसलिए हमको अच्छा संग करना चाहिए। अच्छा संग का मतलब है सत्संग करना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए। सत्संग करने से हमारा मन भगवान में आसक्त होगा और हमारा अज्ञानता से हमारा आसक्ति हटेगी, इस संसार के विषयों से हमारा आसक्ति हटेगा। शिल प्रभुपाद जी इसमें श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय का द्वितीय प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में से कुछ श्लोक देते हैं जिनका अर्थ है कि वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना, भगवान से साक्षात सुनना आपस में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, जब हम किसी से संबंध बनाते हैं, भगवान तो निश्चित रूप से हम सबका चिंता कर ही रहे हैं, चाहे हम उनका नाम लें या न लें, चाहे हम उनके भक्त हों या न हों, लेकिन फिर भी भगवान का जो भक्त है उसके प्रति भगवान विशेष दयालु रहते हैं। इसको उदाहरण स्वरूप समझें, आप सब माता पिता हैं और आप सबके मान लो दो दो तीन तीन बच्चे हैं, तो बच्चे होने के नाते जो आपके पुत्र हैं या पुत्री हैं उन सबके प्रति आपका प्रेम तो स्वाभाविक है, सबसे आपका प्रेम है, लेकिन उस बच्चे से विशेष प्रेम है जो निरंतर आपका ध्यान करता है, आपका सेवा करता है, आपके प्रति सोचता है, आपके विषय में सोचता है, तो उसके प्रति हमारा झुकाव स्वाभाविक है कि अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होगा। तो अगर आप लोग भी
भगवान के अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, वास्तव में भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का पूर्ण कृपा पात्र बनना चाहते हैं, तो हम सबको क्या करना होगा? भगवान का आदेशों का पालन करना होगा। भगवान के प्रिय बनने का सबसे सरल साधन है भगवान के आदेशों का पालन। लेकिन दुर्भाग्यवश हम भगवान के आदेशों का पाठ तो करते हैं, लेकिन भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते। तो आदेशों का पालन न करने से हम भगवान के प्रिय नहीं हो पाते, पाठ करने से हम प्रिय नहीं होंगे, हम भगवान के आदेशों का पालन करने से प्रिय होंगे। अधिकतर लोग, पहले तो बहुत कम लोग गीता का पाठ ही करते हैं, और जो पाठ करते हैं वो केवल पाठ ही करते रहते हैं, उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, तो निश्चित रूप से हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर हम वास्तव में भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, गुरु के प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमको भगवान के आदेशों का पालन करना होगा। और भगवान के आदेशों का पालन करने मात्र से हम सदा सदा के लिए सुखी हो सकते हैं, हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं, केवल 10, 20, 50, 100 साल के लिए नहीं, जन्म जन्मांतरों के लिए नित्य सुखी हो सकते हैं, नित्य आनंदित हो सकते हैं। लेकिन उस नित्य आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना होगा, ईमानदार बनना होगा, कपट छोड़ना होगा। भगवान बोलते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कभी पसंद नहीं है कपट। कपट का मतलब होता है जो हम नहीं हैं वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर भक्ति नहीं है लेकिन हम भक्त दिखाने का प्रयास करते हैं, हम भक्त नहीं हैं लेकिन हम भक्त दिखाने का प्रयास करते हैं, हम साधक नहीं हैं फिर भी हम साधक दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये कपट भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हम सबको गीता को पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने के साथ साथ उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब तक हम भगवान के आदेशों का मानेंगे नहीं, केवल सुनते रहेंगे, तो सुनने से भी ठीक है, कम से कम जो नहीं सुन रहा है उससे अच्छा है कि कम से कम कोई सुन तो रहा है यानी पढ़ तो रहा है। लेकिन वास्तव में कल्याण उसी व्यक्ति का होगा जो उन पर मनन करेगा और उसके एक एक बात को अपने जीवन में उतारेगा गंभीरतापूर्वक। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इस भागवत के श्लोकों के अर्थ में कि कृष्ण के विषय में सुनना उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र बन जाते हैं, शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। अगर आप निरंतर भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हम शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार भक्त अपने शुद्ध दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है, जो खोया हुआ है उसका दिव्य ज्ञान है उसको वो फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता जाता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे हम भक्तों का संग करेंगे, और भक्तों का संग करने का मतलब है भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा सुनना। कई बार हम भक्तों का संग तो करते हैं लेकिन हम भक्तों के संग में भी संसार की वार्तालाप करते हैं, सांसारिक विषयों की ही चर्चा करते हैं। अगर हम सांसारिक विषयों की चर्चा करते हैं भक्तों के बीच में, तब भक्तों का संग नहीं हुआ। भक्तों का वास्तविक संग का मतलब है केवल केवल और केवल भगवान के विषय में ही वार्तालाप किया जाए, भगवान को समझा जाए, भगवान के आदेशों पर मनन किया जाए, उन आदेशों का कितना हम पालन कर रहे हैं उसके विषय में बताया जाए, दूसरे भक्त को भी सुना जाए कि वो भगवान के आदेशों का क्या पालन कर रहा है, या वो भगवान के आदेशों का पालन करने पर विचार कर रहा है, या वो करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा भक्तों का संग वास्तविक संग तभी होगा जब हम हमारे केंद्र में केवल भगवान रहें। दुर्भाग्यवश देखा गया है, हम सब देखते हैं या हम सब लोगों के जीवन का अनुभव है कि जब हम भक्तों के संग में भी आते हैं, भक्त होते भी हैं, तब भी हम सबसे महत्वपूर्ण विषय को छोड़कर सांसारिक विषयों को ही पकड़ लेते हैं। जब हम भक्तों का संग होता है तो भक्तों के संग में ही हम सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी भगवान, उनकी चर्चा कर सकते हैं, उनके विषय में समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं और अधिक उनसे प्रेम कर सकते हैं। लेकिन उनको छोड़ करके हम भक्तों से भी केवल संसार की ही चर्चा करते हैं। तो ये भक्तों का संग वास्तव में कुसंग है, ये वास्तव में संग नहीं है, क्योंकि शास्त्र में बोला गया लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा संग, अगर साधु का किंचित मात्र संग भी प्राप्त हो जाए
तो मैं जन्म जन्मांतरों के लिए मुक्त हो सकता हूँ। जन्म जन्मांतरों का मुक्त होने का मतलब है सांसारिक विषयासक्ति को छोड़कर हम भगवान में आसक्त हो सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं, और भगवान से प्रेम करके हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं और भगवान के साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। ऐसा हम में से किसी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, हम भगवान का जीते जी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन करने से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है भगवान से प्रेम करना। दुर्भाग्यवश संसार में लोग भगवान के दर्शन को तो बड़े आतुक रहते हैं, बड़े उत्सुक रहते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए कोई उत्सुक नहीं रहता। तो वास्तव में अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तभी हमें भगवान का दर्शन भी होगा। आप हमको एक बात बताओ, अगर आप से कोई प्रेम नहीं करता, आप उसके यहाँ जाना चाहोगे, उससे मिलना चाहोगे? नहीं मिलना चाहेंगे। हम जब देखते हैं कि कोई हमसे प्रेम करता है तब हम स्वाभाविक रूप से उसके पास जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान देखते हैं क्या ये भक्त मुझे प्रेम करता है, वास्तविक प्रेम, दिखावटी प्रेम से काम नहीं चलेगा, हमको वास्तव में भगवान से प्रेम करना होगा। और वास्तव प्रेम का मतलब है निष्कपट प्रेम, हमें भगवान के आदेशों को मान करके, भगवान के भक्तों को गुरु परंपरा से चली आई परंपरा से सुन करके, गुरुजनों से सुन करके अपने मन को पवित्र करना होगा, अहंकार मिथ्या अहंकार से निकलना होगा, फिर हम निश्चित रूप से भगवान से अपने संबंध को जान पाएंगे और भगवान से प्रेम कर पाएंगे। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में आधिकारिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता होता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में दृढ़ होगा, भक्त बनेगा, वास्तविक भक्त, दिखावटी भक्ति से कोई काम चलने वाला नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग भक्त बने हैं केवल भरण पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए भक्त बनना भक्त नहीं है, भगवान से प्रेम करने के लिए भक्त बनना ही वास्तव में भक्त है। तो जो वास्तव में भक्त बनने का प्रयास करता है, भगवान का भजन करता है, तो वो तमोगुण रजोगुण से छूट जाता है। ये तमोगुण रजोगुण क्या है? तमोगुण का मतलब है गलत को सही बोलना, और रजोगुण का मतलब है कभी गलत को गलत बोलना, कभी सही को सही बोलना, यानी स्थिर रहना। हम सब देखते हैं, हम सब जीवन में वास्तव में इन्हीं दो परिस्थितियों में घूम रहे हैं। या तो कई बार हम गलत को सही बोलते हैं, या कई बार हम गलत को सही और सही को सही बोलते हैं, फिर भ्रमित रहते हैं। रजोगुण का मतलब है भ्रम की स्थिति, कभी सही को गलत बोलना, कभी गलत को सही बोलना, कभी सही को सही बोलना। और तमोगुण में व्यक्ति गलत को सही बोलता है। जैसे शराबी व्यक्ति शराब पीने को अच्छा मानता है, वो बुरा नहीं मानता, वो हजार तर्क रख देगा अपनी शराब पीने के कि ये शराब पीना बहुत अच्छा है। एक व्यभिचारी व्यभिचार को विभिन्न विभिन्न प्रकार से तर्क करके सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि ये सही है। इसी प्रकार से संसार में हम सब लोगों को इस तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से निकलना है। हम सब तमोगुण और रजोगुण में ही फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान की अनन्य भक्ति, भगवान का प्रेम अगर हमें प्राप्त होता है तो हम तमोगुण रजोगुण से निकल सकते हैं। और वास्तव में भगवान की अनन्य भक्ति करने पर हम तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से निकल जाएंगे, निश्चित रूप से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा मन शुद्ध होगा। लेकिन हम कहें कि 2 साल में निकल जाएंगे, 4 साल में निकल जाएंगे, 2 घंटे में निकल जाएंगे, नहीं, हम निरंतर हमको प्रयास करना होगा, फिर निश्चित रूप से एक दिन हमको सफलता मिलेगी। लेकिन जो प्रयास ही नहीं करेगा उसको सफलता कहाँ से मिलेगी? पहले के समय में हम सुनते हैं 60,000 साल तक ऋषि तपस्या करते थे। 60,000 साल का मतलब है जब सतयुग में लोगों की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी तब वो 60,000 साल तक तपस्या करते थे और भगवान का साक्षात्कार कर लेते थे, अपने मन को शुद्ध कर लेते थे। अभी वर्तमान परिस्थिति में मान लो हम लोगों का उम्र अधिक से अधिक 100 साल है, तो कम से कम 60 साल तो हमको तपस्या करना होगा, लेकिन हम 6 दिन में, 6 घंटे में, 6 महीने में, 6 साल में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। हमको निरंतर लगा रहना पड़ेगा, हमको भगवान के भजन में, भगवान के स्वाध्याय में, भगवान से प्रेम करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत के पाठ में लगा रहना होगा। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है। संसार की व्यर्थ की चर्चा करने के लिए, दूसरे की निंदा करने के लिए, अपना गुणगान करने के लिए मेरे पास बहुत समय है, लेकिन परम भगवान के विषय में सुनने के लिए समय नहीं है, परम भगवान के विषय में जानने के लिए समय नहीं है, तो फिर कैसे हमारा मन भगवान में आसक्त होगा? इसलिए हम सबको बहुत गंभीरतापूर्वक
भगवान से मन को भगवान में अपने मन को आसक्त करने के लिए पहली शर्त है हमको ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार का मतलब है कपट को त्यागना होगा। और अगर पूरे संसार से हम अपने कपट को नहीं त्याग सकते, पूरे संसार हम ईमानदार नहीं बन सकते, तो कम से कम हमको भगवान और भगवान के प्रमाणित गुरु, भगवान से चली आने वाली प्रमाणित परंपरा के आचार्य गुरु, तो गुरु और भगवान के प्रति तो हमको कम से कम ईमानदार बनना पड़ेगा। भगवान के भक्तों के प्रति तो हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। जब तक हम इतनी भी ईमानदारी अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं, तब मेरे भगवत धाम जाने की कोई संभावना नहीं है। भगवत धाम जाना तो दूर रहा, भगवत ज्ञान प्राप्त करने की भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमको कपट छोड़कर प्रेम पूर्वक भगवान और भगवान के भक्तों की शरण लेनी होगी। फिर निश्चित रूप से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, हमारा मन शुद्ध होगा और हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। तो भौतिक काम और लोभ, ये दो चीज़ें जो हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि भगवान ने बताया है काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। अगर हम जीते जी काम क्रोध लोभ को सही दिशा में नहीं लगा पाए तो निश्चित रूप से हम नरक जाएंगे, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। अगर हम अपने मन को, अपने काम क्रोध लोभ को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाए तो नरक जाने के लिए हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। मृत्यु के बाद हम 100% नरक ही जाएंगे, चाहे हम कुछ भी क्यों ना करते रहें। इसलिए हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ भगवान की सेवा में लग जाए, तब निश्चित रूप से हम भगवत धाम जा सकते हैं। काम क्रोध लोभ भगवान में कैसे लगता है? हम हमारे मन में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारी कामनाएं होती हैं। हम भगवान की इच्छा को पूर्ति करने में अपनी कामनाओं को लगाएं। क्रोध, क्रोध का इस्तेमाल अपने अपमान के लिए न करें। क्रोध का इस्तेमाल भगवान के प्रति, अपशब्द बोलने वाले, भगवान को न समझने वाले लोगों के प्रति करें। भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करने वाले लोगों के प्रति क्रोध का प्रयोग करें। और लोभ, हम संसारिक लोभी न बन के कृष्ण के लोभी बन जाएं, परमात्मा के लोभी बन जाएं, तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। जब ये कलमस दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। सतोगुण का मतलब है सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है। सत्य ये है कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, जैसे वर्तमान परिस्थिति चल रही है। फिर भी हम सब लोग घास खाने में लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हजारों लोग ग्रसित हो गए हैं, कभी भी किसी का शरीर छूट सकता है, लेकिन फिर भी अभी भी हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। आप ईमानदारी से अपना मन का परीक्षण करके देखें तो आप देखेंगे कि इतनी विपरीत परिस्थिति सामने होने के बावजूद भी हम भगवान से प्रेम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, भगवान से चित्त को नहीं जोड़ रहे हैं, भगवान में चिंतन नहीं हो रहा है। कारण कि इसका अभ्यास हमने किया नहीं है। इसी प्रकार से आज नहीं, इस परिस्थिति में न सही, आज के 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल बाद तो हमें शरीर छोड़ना ही है। तब शरीर छोड़ेंगे तब भी हमसे भगवान का नाम नहीं निकलेगा, भगवान की भक्ति नहीं होगी, भगवान से प्रेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास हमने किया ही नहीं है। और इस संसार में जो पत्नी बच्चे घर प्रॉपर्टी शरीर, इससे जो मेरी आसक्ति है, ये तो पल भर में एक क्षण छूट जाएगा, इनमें कोई चीज मेरी नहीं है। वास्तव में मेरा क्या है वो हम जानते ही नहीं हैं। इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि हम सबके एकमात्र परब्रह्म परमात्मा भगवान ही अपने हैं। इसलिए हमको भगवान से अधिक चिंतन करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और उनसे प्रेम करने का भरकस प्रयास करना चाहिए। भक्ति के द्वारा जब ये कलमस दूर होते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर होता है और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह से जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है। जब व्यक्ति भक्ति वास्तव में करेगा तो जो भौतिक ग्रंथि है, जो भौतिक आसक्तियां हैं, जो शरीर के प्रति ममत्व का भाव है, जो शरीर के शरीर मैं शरीर हूँ ये भाव है, जो शरीर से जुड़े संबंधी मेरे हैं ये भाव है, ये ग्रंथि कट जाती है। इस ग्रंथि से हम बाहर निकल जाते हैं और जब ये मोह की ग्रंथि कटती है तब वास्तव में भक्त असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है।
यानी सरल भाषा में अगर हम गंभीरता पूर्वक समझें तो जब तक मेरी सांसारिक आसक्तियां हैं, जब तक हमने संसार में अपने आप को फंसा रखा है, जब तक संसार में हम पूर्ण रूप से आसक्त हैं, तब तक हम भगवान को समझने के अधिकारी नहीं है। इसलिए हम भगवान का भजन बहुत गंभीरता पूर्वक करें और भगवान का भजन निश्चित रूप से भक्तों के संरक्षण में ही संभव है। स्वतंत्र रूप से कोई कुछ भी करता रहे और अगर उसका परीक्षा न लिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। इसलिए हमको किसी भक्त के, समर्थ भक्त के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए और हमको परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि स्वेच्छा से परीक्षा देने के लिए बोलना चाहिए और परीक्षा देते हुए पास और फेल पर भी विचार करना चाहिए। जब हम फेल हो जाएं तो पास होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और दुगनी उत्साह के साथ भक्ति करनी चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो और अधिक मेहनत करता है जिससे वो अगली बार पास हो सके, और वो जब ऐसा करता है तो एक बार फेल होता है, दो बार फेल होता है, लेकिन तीसरी बार पास हो जाता है। सेम इसी प्रकार से हमको भी गुरु परीक्षा में, भक्तों की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। भगवान जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो उसमें हमें उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग परीक्षा की परवाह किए बिना केवल तथा कथित भजन करते रहते हैं, तथा कथित पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, और ऐसी पढ़ाई पढ़ने पर अगर हम परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो मेरा आकलन नहीं होगा, और आकलन नहीं होगा तो हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ पहुँचे हैं, उसको कैसे हम समझेंगे। इसलिए भजन साधना हमेशा किसी न किसी भक्त के आश्रय में होनी चाहिए। तब निश्चित रूप से जब हमारा कोई ध्यान रखने वाला है, हमारे ऊपर किसी की नज़र है, तो वो निश्चित रूप से हमें बताएगा कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। फिर निश्चित रूप से एक न एक दिन हम निश्चित रूप से शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए 6 घंटे, 6 दिन, 6 महीने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमको गंभीरता पूर्वक निरंतर ईमानदारी से प्रयास करना होगा, फिर उसके परिणाम निश्चित रूप से 6 साल में, 16 साल में, 26 साल में बाहर आने लगेंगे और उसको खुद एहसास करेंगे हम कि हमारी सांसारिक आसक्तियां कम हो रही हैं और भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ रही है। तो इसलिए हम सब भक्तों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान का शरण लेना चाहिए, तभी वास्तव में हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य के अंतिम लाइन लिखते हैं, अतः श्री कृष्ण से, यानी भगवान श्री कृष्ण से, या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है, तीसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए हम सबको भगवान और भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिससे हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक लाइव सत्संग सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अनुज गुप्ता प्रभु हैं, आशीष प्रभु हैं, राजेश प्रभु हैं, सौरभ प्रभु हैं, सीमा माता जी भी हैं। बहुत सारे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को भी हम इस लाइव सेशन में फेसबुक पर कमेंट में लिख सकते हैं। अगली बार जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आपके प्रश्नों को भी ले लेंगे और उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो किसी भक्त का कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्न को कमेंट में लिख सकते हैं और लिख करके हम लोग उस पर अगली बार, जब कल शाम को 5 बजे हम लोग पर डे शाम 5 बजे बैठेंगे और भगवान के विषय में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। क्योंकि ये भगवद गीता के 6 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं। 7वें अध्याय से लेकर के 12 अध्याय ये भगवद गीता के प्राण हैं। इनका एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग एक एक श्लोक को क्रम से लेंगे। जैसे कि आज हम लोगों ने 7वें अध्याय का पहला श्लोक लिया, कल हम लोग 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।